स्वागत है आप सभी का। हम आज की क्लास के अंदर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है प्रोटीन सिंथेसिस, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, मैं पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस है क्या, ये कैसी प्रक्रिया है, प्रोटीन संश्लेषण राइट, जिसको कि हम ट्रांसलेशन भी कहेंगे राइट, ट्रांसलेशन या अनुवाद भी कहेंगे, जिसमें मैं क्या करूंगा, वी विल कन्वर्ट अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन mRNA इंटू सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। हम क्या करेंगे यहां पर, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो कि mRNA के ऊपर है, उसको अमीनो एसिड की सीक्वेंस के अंदर बदल देंगे। वास्तव में अनुवाद क्या है, अनुवाद के अंतर्गत यही तो हम बनाएंगे। mRNA से हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन। mRNA से क्या बनाएंगे हम, प्रोटीन, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद राइट। वी विल कन्वर्ट अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन mRNA इनटू सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। mRNA से मैं क्या बनाऊंगा, प्रोटीन बनाऊंगा। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस को पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए पहले दो स्टेप्स पढ़ना बहुत जरूरी है, स्टेप वन और स्टेप टू, दो चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड। मुझे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्टिव अमीनो एसिड की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो अमीनो एसिड अवेलेबल है वो पहले कैसे इनएक्टिव है, तो मुझे उसको एक्टिव करना है। निष्क्रिय अमीनो अम्लों को मुझे क्या बनाना है, सक्रिय बनाना है, ठीक है। तो मैं यहां पर पहली स्टेप में लिखता हूं अमीनो एसिड, और ये कैसा है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। अब मुझे इसको एक्टिव बनाना है, तो एक्टिव बनाने के लिए तो ऊर्जा चाहिए, सोए हुए को जगाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी ATP मैंने उपलब्ध करवाई, और यहां पर एक एंजाइम यूज होगा जिसको कि बोलेंगे अमीनो एसिल, इसको क्या कहेंगे, अमीनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम, अमीनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम इस इनएक्टिव अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा अमीनो एसिल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, अमीनो एसिल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये जो अमीनो एसिल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, वास्तव में ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, मतलब कि यही ये जो है वो क्या है, सक्रिय अमीनो अम्ल है, ठीक है। अच्छा, एक स्टार बना के पॉइंट लिख देता हूं, अलग अलग अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम उपलब्ध होते हैं। समझ में आ रहा है, क्या कहा मैंने, अलग अलग अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम्स अवेलेबल होने चाहिए। तो मैंने अब इस इनएक्टिव अमीनो एसिड को क्या बना दिया, एक्टिव बना दिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, 20 अमीनो एसिड आर पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फॉर्मेशन के अंदर कितने अमीनो एसिड भाग लेते हैं, 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं। तो ये तो पहली स्टेप होगी, लेकिन अभी भी मैं प्रोटीन चेन को शुरू नहीं कर सकता हूं, अभी भी मुझे दूसरी स्टेप लेनी पड़ेगी,
और वो है स्टेप टू, राइट। स्टेप टू के अंदर क्या है, स्टेप टू को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए, या इसको हम लोडेड टीआरएनए भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए और लोडेड टीआरएनए, मतलब मैं क्या बना रहा हूं, चार्ज्ड टीआरएनए का भी निर्माण करूंगा, यानी कि लोडेड टीआरएनए का निर्माण करूंगा। अब लोडेड टीआरएनए क्या होता है, याद रखना, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कैरिंग टीआरएनए इज कॉल्ड चार्ज्ड टीआरएनए। क्या कहा मैंने, एक ऐसा टीआरएनए जिसके ऊपर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड संलग्न हो चुका है, एक ऐसा चार्ज्ड टीआरएनए जिस पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ चुका है, ऐसे टीआरएनए को हम लोडेड टीआरएनए कहते हैं। ठीक है, याद रखना, टीआरएनए पर बेटा एक साइट होती है जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, राइट। इस स्थल पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ता है। ठीक है, जैसे आपने मेरी क्लासेस के अंदर टीआरएनए का तो स्ट्रक्चर पढ़ ही रखा है, तो यहां पर एक साइट होती है, ये वाली जो साइट होती है, इस साइट को बोलते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। क्या होती है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। और ये क्या चीज है, टीआरएनए। तो इस टीआरएनए से कौन जुड़ चुका है, अमीनो एसिड जुड़ चुका है। तो इस रचना को जब टीआरएनए से अमीनो एसिड जुड़ जाता है, एक्टिव अमीनो एसिड जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। उसको क्या बोलते हैं, चार्ज्ड टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए। मैं आपको बना के बताता हूं, देखो ये क्या था, अमीनो, यहां पर लिख के बताता हूं मैं आपको, अमीनो एसिल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये मैंने ऊपर से लिखा है। ये क्या चीज है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ही तो आकर कहां पर जुड़ता है, टीआरएनए के ऊपर जुड़ता है, तो ये टीआरएनए के ऊपर जुड़ गया। जैसे ये जुड़ेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा मालूम है, अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, राइट। अच्छा एक चीज याद रखना, यहां पर एटीपी जो है इस वाली स्टेप के अंदर, एटीपी बदलता है किसके अंदर, एडीपी के अंदर, और दो इनऑर्गेनिक, यहां पर ये जो एटीपी है वो बदल जाएगा किसके अंदर, एडीपी के अंदर। ठीक है, ये एएमपी के अंदर, एएमपी में बदला तो कितने फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। एटीपी कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, एएमपी के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, तो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दो अकार्बनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे। अच्छा अब यहां पर अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये क्या बन चुका है, चार्ज्ड टीआरएनए बन चुका है, जिसको कि आप लोडेड टीआरएनए भी कह सकते हो, लोडेड टीआरएनए। ठीक है, और ये जो एएमपी है ये वापस से बाहर आ जाएगा, और एंजाइम तो पुनः प्राप्त हो जाएगा, ये एंजाइम, क्योंकि एंजाइम जो है वो रेट को बूस्ट अप करता है और वापस से बाहर आ जाएगा। तो ये जो अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, ये अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है, उसी को मैं क्या कह रहा हूं, चार्ज टीआरएनए कह रहा हूं। मैं प्रोटीन सिंथेसिस को पूरा डिटेल में स्टार्ट करूं, उससे पहले ये वाली स्टेप्स पढ़ना आपको बहुत बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। तो मैंने इनएक्टिव अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर दिया है, और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को मैंने जोड़ दिया है किसके ऊपर, टीआरएनए के ऊपर। मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, एक होती गन और एक होती बुलेट, राइट। जब तक बुलेट गन में लोडेड नहीं होती है तो उसको अनलोडेड कहते हैं। अब लेकिन सोचो जरा कि ये गन है, और इसके अंदर यहां पर बुलेट को मैं लोड कर दूं, ये बुलेट को लोड कर दूं, ये गन और ये बुलेट, बुलेट को
घन के अंदर लोड कर दूं तो ये घन क्या कहलाएगी, लोडेड घन कहलाएगी। वैसे ही यदि मैं टीआरएनए के अंदर टीआरएनए में अमीनो एसिड को अटैच कर दूं तो वो टीआरएनए लोडेड या चार्ज्ड हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। तो घन को तो क्या मान लो, तुम घन को तो क्या मान लो, टीआरएनए, और बुलेट को क्या मान लो, अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड इस घन यानी कि टीआरएनए के अंदर अटैच हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, लोडेड घन कहलाती है। क्लियर है या नहीं है? अब आ जाते हैं, ये तो दो प्रिलिमिनरी स्टेप हो गई। अब प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग करता हूं मैं, कि कैसे ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है वो अब आप देखिए। अब देखो, यदि आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है तो तीन स्टेप्स में प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला है चेन इनिशिएशन, सब लोग जानते हैं ना, श्रृंखला प्रारंभन। दूसरी जो होती है वो होती है चेन इलॉन्गेशन यानी कि श्रृंखला दीर्घीकरण। और तीसरी जो स्टेप होती है वो होती है चेन टर्मिनेशन यानी कि श्रृंखला समापन। तो प्रोटीन सिंथेसिस को मैं कितने स्टेप्स में पढ़ाऊंगा, तीन स्टेप्स में, चेन इनिशिएशन, चेन इलॉन्गेशन एंड चेन टर्मिनेशन। यदि आपको चेन इनिशिएशन समझ में आ गया तो बाकी के दोनों स्टेप्स तो आसान है, इसलिए बहुत गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन इनिशिएशन में आपको पढ़ा रहा हूं, चेन इनिशिएशन का मतलब होता है श्रृंखला प्रारंभन। चेन इनिशिएशन क्या होती है? तो देखिए, चेन को आप इनिशिएट कर लो, आप प्रोटीन सिंथेसिस की स्टार्टिंग कर लो। जिस तरीके से किसी एक फैक्ट्री को चलाने के लिए, चालू करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कच्चे पदार्थ की जरूरत पड़ती है, वैसे ही प्रोटीन को बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे चेन इनिशिएशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे बेटा चाहिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, प्रारंभन कारक चाहिए मुझे। और प्रारंभन कारक जो है वो याद रखना कि यूकेरियोट्स, प्रोकेरियोट्स में सबसे पहले यदि मैं लूं प्रारंभन कारक, प्रोकेरियोट्स में जो होते हैं वो तो कितने होते हैं, तीन। और इनको हम कैसे लिखते हैं, IF1, IF2 और IF3। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, प्रारंभन कारक 1, 2 और 3। लेकिन यदि मुझे प्रोटीन सिंथेसिस को यूकेरियोट्स में पढ़ाना है तो मुझे प्रारंभन कारक कितने चाहिए, 10 चाहिए। कैसे, EIF1, EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D, EIF4F, ठीक है, और EIF5 और EIF6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये E क्यों लगाया है, ताकि डिफरेंशिएशन हो जाए। यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, समझ में आ रहा है ना। यूकेरियोटिक प्रारंभ कारक 1, इस तरीके से मुझे कितने कारक चाहिए, 10 कारक चाहिए यूकेरियोट्स में। दूसरा, मुझे क्या चाहिए, चेन को इनिशिएट करना है तो किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो क्या है, GTP चाहिए, guanosine triphosphate, ये भी चाहिए मुझे। और मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चार्ज्ड टीआरएनए चाहिए, जो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था, लोडेड टीआरएनए, क्योंकि लोडेड टीआरएनए ही तो क्या लेकर आएगा, लोडेड टीआरएनए ही तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड लेकर आएगा, और अमीनो एसिड के बिना तो प्रोटीन बन ही नहीं सकता है। तो चार्ज्ड टीआरएनए। अच्छा, एक चीज याद रखना, चार्ज्ड टीआरएनए ही आकर किस पे जुड़ता है, आकर राइबोसोम पर जुड़ता है। कैसे जुड़ता है वो अभी बताऊंगा। चार्ज्ड टीआरएनए ही आकर राइबोसोम पर जुड़ता है, ठीक है। तो मुझे चार्ज्ड टीआरएनए चाहिए। और मुझे क्या चाहिए,
मुझे राइबोसोम की यूनिट्स चाहिए। राइबोसोम की आप सभी जानते हो दो यूनिट्स होती है, ठीक है, एक कौन सी होती है बेटा, स्मॉल सब यूनिट, और एक कौन सी होती है, लार्ज सब यूनिट। सभी जानते हो लार्ज सब यूनिट। और हाँ, जैसे प्रोकैरियोट के अंदर बात करूं, यदि मान लीजिए प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में चल रहा है तो राइबोसोम कौन सा होगा, 70S, तो सब यूनिट कौन कौन सी हो जाएगी बेटा, 50S और 30S। ये छोटी सब यूनिट है, ये बड़ी सब यूनिट है। और यदि हम यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम कौन सा होता है, 80S। तो यूनिट्स कौन कौन सी हो जाएगी बेटा, वन इज नोन एज 60S एंड अनदर इज नोन एज 40S। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। यहाँ पर देखोगे तो ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। अभी मुझे इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, साथ के साथ राइबोसोम की दोनों यूनिट्स को जोड़ने के लिए, राइबोसोम की दोनों यूनिट्स को जोड़ने के लिए मुझे Mg+2 आयंस चाहिए, राइट, मुझे Mg+2 आयंस चाहिए, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए चाहिए, वो क्या चीज है, दैट इज नोन एज द mRNA। mRNA आपको मालूम होना चाहिए, हमेशा याद रखना, mRNA एक्ट एज टेम्पलेट, एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। याद रखना, mRNA एक टेम्पलेट की भांति कार्य करती है, किसके संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। mRNA के ऊपर ही तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। mRNA की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है वही तो अमीनो एसिड की सीक्वेंस में बदलती है, ठीक है। तो mRNA एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि mRNA से ही तो बेटा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन। तो mRNA एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, mRNA एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो एक बार ये देख लो, ये सब चीजें मुझे अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब चेन को मैं इनिशिएट करूं कैसे, आखिर यदि प्रोटीन चेन को शुरू करना है तो कैसे करूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अब चेन को अपने शुरू करते हैं। चेन को शुरू करने के लिए बेटा याद रखो हमेशा कि कुछ अहम चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। याद रखना, प्रोकैरियोट्स की यदि मैं बात करूं, प्रोकैरियोट्स में तो याद रखो कि प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए पर स्थित शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए पर शाइन डेलिंग्रो सीक्वेंस, डेलगार्नो सीक्वेंस, एसडी सीक्वेंस भी कहते हैं, उपस्थित होती है। यह 8 नाइट्रोजन बेस से निर्मित होती है। वह यह सीक्वेंस मतलब अनुक्रम, यह सीक्वेंस एमआरएनए पर स्टार्ट कोडोन के 4 से 12 नाइट्रोजन बेस पहले स्थित होती है। यह सीक्वेंस यानी कि यह एसडी सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को पहचानती है। क्यों, क्योंकि एमआरएनए पर राइबोसोम की यूनिट का आकर जुड़ना पहले बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट कहां पर आकर जुड़नी चाहिए, एमआरएनए पर। तो एसडी सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को पहचानती है, क्योंकि स्मॉल सब यूनिट में स्थित 16S RRNA, ये तो जानते हो स्मॉल सब यूनिट कौन सी होती है, 30S में स्थित 16S RNA पर एसटी सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस अर्थात
एंटी शाइन डेल कार्नो यानी कि एसडी सीक्वेंस उपस्थित होती है तो वो पहचान लेगी। समझ में आ रहा है? तो यह एसडी सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को पहचानती है, क्योंकि स्मॉल सब यूनिट में स्थित यानी कि 30A सब यूनिट में स्थित 16S आरएनए पर एसडी सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अर्थात एंटी शाइन डेल कार्नो सीक्वेंस उपस्थित होती है। तो जैसे ही एक दूसरे की पहचान हो जाएगी तो यहां पर प्रोकैरियोट से अब स्मॉल सब यूनिट किससे जुड़ जाएगी, स्मॉल सब यूनिट आकर किससे जुड़ जाएगी, एमआरएनए पर जुड़ जाएगी, एमआरएनए पर जुड़ जाएगी। ठीक है, ये तो बात होगी बेटा किसकी, प्रोकैरियोट्स की। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? तो याद रखो यूकैरियोट्स में एमआरएनए पर स्थित 7-methylguanosine, क्या कहा मैंने बेटा, 7-methylguanosine, आप जानते हो ना आपने एमआरएनए के कैप रीजन पर, आपने मेरा लेक्चर पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो वहां पर कैप रीजन के ऊपर यूकैरियोट्स में एमआरएनए पर स्थित 7-methylguanosine राइबोसोम की छोटी सब यूनिट यानी कि उप इकाई, छोटी सब यूनिट, और छोटी सब यूनिट क्या होती है वहां पर, दैट इज कौन सी होती है भाई, 40S। यूकैरियोट्स में एमआरएनए पर स्थित 7-methylguanosine राइबोसोम की छोटी सब यूनिट को पहचानती है, क्योंकि राइबोसोम की छोटी सब यूनिट में स्थित 18S आरएनए पर 7-methylguanosine की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उपस्थित होती है। तो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, इस प्रकार राइबोसोम की छोटी उप इकाई यूकैरियोट्स में एमआरएनए पर आकर जुड़ जाएगी, इज इट क्लियर? ये शुरुआती दौर है, बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां तक क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं अपने अब क्या होता है, जैसे ही राइबोसोम की छोटी सब यूनिट आकर जुड़ जाएगी कहां पर, एमआरएनए के ऊपर, इसी वक्त अब याद रखना, इसी वक्त राइबोसोम की बड़ी उप इकाई Mg+2 आयंस की मदद से इस वक्त राइबोसोम की बड़ी उपिकाई मैग्नीशियम आयन की मदद से राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ जाती है, राइट। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये एमआरएनए है बेटा, ये एमआरएनए है, ये उसका 5' एंड है, ये 3' एंड है, तो यहां पर तो आकर कौन जुड़ गई है, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट, लेकिन अब यहां पर आकर ये कौन जुड़ गई, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये बड़ी सब यूनिट भी आकर जुड़ जाएगी। तो ये तो क्या है, राइबोसोम की छोटी उप इकाई, और ये क्या है, राइबोसोम की बड़ी उप इकाई। अब मान लीजिए ये बड़ी उप इकाई यहां पर यदि प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होगी, 50S,
और प्रोकैरियोट्स के केस में छोटी पिकाई क्या होगी 30s, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में यहाँ क्या हो जाएगी 60s और यहाँ क्या हो जाएगी 40s। क्लियर है? अब ये कहीं भी जुड़ गई। अब आगे क्या होता है ना, याद रखना, राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट में तीन स्थल होते हैं। राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट होती है उसमें कितने स्थल होते हैं? तीन स्थल होते हैं। नंबर एक पी साइट, पी स्थल, इसको बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, राइट, पेप्टाइडल साइट है ना। दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? ए साइट, है ना। ए साइट क्या होती है? ए साइट अमीनो एसिड साइट, राइट, अमीनो एसिड साइट। इसको एसेप्टर साइट भी कहते हैं क्योंकि ये चार्ज्ड टीआरएनए को एक्सेप्ट करती है, राइट, ये चार्ज्ड है, इट एक्सेप्ट्स चार्ज्ड ऑब्लिक लोडेड टीआरएनए, ये लोडेड टीआरएनए या चार्ज्ड टीआरएनए को एक्सेप्ट करती है। ए साइट ये पेप्टाइडल साइट है जो कि पेप्टाइड बंद वगैरह बनाने के अंदर और पूरी श्रृंखला बनाने के अंदर मदद करेगी। और एक और साइट होती है जो कई किताबों में मेंशन भी नहीं है, एक और होती है ई साइट। ई साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट, है ना, एग्जिट साइट, जहां से टीआरएनए बाहर निकलता है, जहां से टीआरएनए बाहर आता है। कैसे आता है वो अभी सब आज की क्लास में पढ़ूंगा। तो राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट में कितनी साइट है भाई? तीन साइट है। जैसे ये तो ई साइट है, और याद रखो ये कौन सी है? पी साइट है। और ये बेटा कौन सी है? ए साइट है। याद रखना, ई फॉर एग्जिट साइट, पी फॉर पेप्टाइडल साइट, राइट, और ए फॉर मतलब आप पी साइट या पॉलीपेप्टाइड साइट भी कह सकते हो। और ये क्या है? ए मतलब क्या है? अमीनो एसिड साइट यानी कि एक्सेप्टर साइट। ये एग्जिट साइट है, ये एग्जिट साइट। एग्जिट साइट का क्या काम है, पी साइट का क्या काम है, ए साइट का क्या काम है, वो आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज याद रखो हमेशा, पहला चार्ज्ड टीआरएनए, ये कंडीशन है, पहला चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए कौन है? जिसके ऊपर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। पहला चार्ज टीआरएनए हमेशा पी साइट पर आकर जुड़ता है, क्योंकि पी साइट के सामने इनिशिएशन कोडोन, एयूजी सुना होगा, प्रारंभन कोडोन स्थित होता है। इनिशिएशन कोडोन याद रखना, ये एक और कारक है जो आप जोड़ लेना। याद है शुरुआत में मैंने अभी आपको बताया था कि चेन इनिशिएशन के लिए कुछ कारक चाहिए, तो उनमें इनिशिएशन कोडोन भी चाहिए। तो पहला चार्ज टीआरएनए चाहे कुछ भी हो जाए, पहला चार्ज टीआरएनए हमेशा पी साइट के ऊपर आकर जुड़ेगा क्योंकि पी साइट के सामने इनिशिएशन कोडोन होता है। और आप जानते हो कि एमआरएनए के ऊपर क्या स्थित होते हैं? कोडोन। तो ये इनिशिएशन कोडोन तो सबने सुना होगा, जेनेटिक कोड मेरे वीडियोज में देखा होगा। ये क्या है बेटा? इनिशिएशन कोडोन है। तो इनिशिएशन कोडोन जो होता है वो हमेशा किसके सामने होता है? पी साइट के सामने होता है। तो नेचुरली कि पहला चार्ज टीआरएनए हमेशा पी साइट के ऊपर आकर जुड़ेगा क्योंकि पी साइट के सामने इनिशिएशन कोडोन स्थित है। लेकिन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी सभी पहले को छोड़कर, है ना, बाकी सभी चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आकर जुड़ते हैं। बाकी सब जो आगे आने वाले जो है, बाकी जितने भी चार्ज टीआरएनए होंगे वो सब कहां पर आकर जुड़ेंगे? ए साइट के ऊपर आकर जुड़ेंगे। लेकिन बाकी सभी चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आकर जुड़ते हैं, लेकिन पहला वाला हमेशा कहां पर जुड़ेगा? पी साइट पर। क्यों? क्योंकि पी साइट के सामने कौन है? इनिशिएशन कोडोन है, यानी कि प्रारंभन कोडोन है। ठीक है, अब जैसे ही चार्ज्ड टीआरएनए, मतलब कौन सा? फर्स्ट चार्ज्ड टीआरएनए आकर
किससे जुड़ेगा? पी स्थल पर जुड़ेगा, पी स्थल पर जुड़ेगा श्रृंखला प्रारंभन हो जाएगा, श्रृंखला प्रारंभन हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अभी पी साइट, लेकिन अभी ए साइट खाली है। मैं आपको बना के बताता हूं, ये इस तरीके से, ये पहला चार्ज टीआरएनए है, पहला चार्ज टीआरएनए जिसके ऊपर अमीनो एसिड संलग्न है। और ये बेटा अपनी, ये कौन सी साइट है? ए साइट है। और ये छोटी सब यूनिट है, ये बड़ी सब यूनिट है, ठीक है। और यहां पर क्या है, आपको मालूम है कि एयूजी ये क्या है, स्टार्ट कोडोन है। और स्टार्ट कोडोन हमेशा किसके सामने है? पी साइट के सामने है। ये पी साइट है, ये पी साइट है, और यहां पर ई साइट है, पी साइट के सामने। तो पहला चार्ज टीआरएनए हमेशा कहां पर आकर जुड़ेगा? पी साइट के ऊपर आकर जुड़ेगा। और ए साइट एम्प्टी है, और यहां पर एंटीकोडोन होगा। एयूजी का यूएसी क्या होगा? एंटीकोडोन होगा। हमेशा एंटीकोडोन कहां पर होता है? टीआरएनए के ऊपर होता है। तो ये चेन इनिशिएट हो चुकी है, ये क्या हो चुकी है? चेन इनिशिएट हो चुकी है। आप देख सकते हो चेन इनिशिएट हो चुकी है। अब जब ये हो जाएगा तो अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर चेन इलोंगेशन होगी। चेन इलोंगेशन का मतलब होता है चेन दीर्घीकरण, श्रृंखला दीर्घीकरण होगा, राइट। श्रृंखला दीर्घीकरण जब होगा तो क्या होगा, सबसे पहले श्रृंखला दीर्घीकरण में क्या होगा, दूसरा चार्ज्ड टीआरएनए, दूसरा चार्ज टीआरएनए आकर ए साइट पर जुड़ जाएगा। ए साइट के ऊपर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? तो आप देखो यहां पर इस डायग्राम को भी देखो और अब इस डायग्राम को भी देखो, ध्यान से देखना, डायग्राम्स का सब खेल है। यदि ये समझ में आ जाएंगे तो आपको पूरा प्रोटीन सिंथेसिस भी समझ में आएगा। ये है अमीनो एसिड वन, अब ये देखो, ये है अमीनो एसिड टू, ठीक है। ये अपना एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, और ये मान लीजिए एयूजी कोडोन था, और ये मान लो कि यहां पर कोई दूसरा कोडोन था, कोई भी हो सकता है, यू यू यू, तो यहां पर ए ए ए, यहां पर एयूजी, तो यूएसी। अब ये क्या चीज है भाई, ये तो छोटी सबयूनिट राइबोसोम की, और ये क्या है, लार्जर सबयूनिट है, ठीक है। ये अपनी कौन सी साइट थी, पी साइट, समझ पा रहे हो, ये कौन सी साइट थी, ए साइट, और ये एग्जिट साइट। अब आप देखो यहां पर चेन इनिशिएशन के अंदर पी साइट ऑक्यूपाइड है, और यहां पर आप देख सकते हो कि ए साइट भी क्या होगी, ऑक्यूपाइड हो गई है, ठीक है। तो दूसरा चार्ज टीआरएनए आकर ए साइट के ऊपर आकर जुड़ जाएगा। अब अमीनो एसिड वन के COOH ग्रुप व अमीनो एसिड टू यानी कि AA2 के NH2 ग्रुप के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये देखो, इसके बीच में एक का तो कार्बोक्सिल ग्रुप और एक का अमीनो ग्रुप, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा भाई, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या बन गया है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम भाग लेता है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या लेगा, भाग लेगा। इतना ही नहीं, एक और चीज याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में
पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में 23S RRNA भी हेल्प करता है, इसलिए इसे राइबोजाइम भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? राइबोजाइम भी कहते हैं। अब चेन इलोंगेशन में अभी तक तो अमीनो एसिड 2 आए, लेकिन अभी तक तो 20 अमीनो एसिड है ना। तो अब आप देखो यहां पर ये ऐसे समझिए कि ये NH2COOH, ये अमीनो एसिड 3, ये यहां पर वेटिंग में है, राइट? ये वेटिंग में है, लेकिन मैं यहां पर एक तख्ती लटका देता हूं, नो वैकेंसी, क्योंकि आखिर ए साइड ब्लॉक्ड है ना। ए साइड खाली हो तो ये चार्ज टीआरएनए यहां पर आए ना, तो ही तो चेन इलोंगेशन हो, वरना तो ये दो केवल चार्ज टीआरएनए आ गए और दो ही अमीनो एसिड अभी तक तो आए। तो अब मेरा मकसद ये है कि यदि मैं चेन को इलोंगेट करना चाहता हूं, तो अब क्या होना चाहिए? चेन इलोंगेट करने के लिए, ए साइट का खाली होना जरूरी है ताकि नए चार्ज्ड टीआरएनए आकर ए साइट पर जुड़ सके, तो अब क्या करूं? इस हेतु पी साइट पर स्थित चार्ज्ड टीआरएनए यदि ई साइट से बाहर आ जाए तो पी साइट खाली हो जाएगी व ए साइट पर स्थित चार्ज्ड टीआरएनए पी साइट पर शिफ्ट हो जाएगा एवं ए साइट खाली हो जाएगी एवं बाहर वेटिंग वाला चार्ज्ड टीआरएनए अब ए स्थल पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, एवं यह क्रम सतत रूप से चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? यदि पी साइट वाला एग्जिट साइट से बाहर आ जाए, यदि ये चार्ज टीआरएनए जिसके ऊपर अमीनो एसिड बने, यदि ये बाहर आ जाए तो ये साइट खाली हो जाएगी और ये वाला जो चार्ज टीआरएनए है वो कहां पर आ जाए? पी के ऊपर आ जाए। तो बताओ ए साइट खाली हो जाएगी, तो ये जो बाहर वेट कर रहा है वो किसके ऊपर आ जाएगा? ए के ऊपर आ जाएगा। आर यू गेटिंग? जरा देखो इसको एक बार, ये देख लिया आपने कैसे आ जाएगा, उसको देखिए। इस डायग्राम को अभी मैंने हटाया नहीं है, आप इसको देखिएगा। ये देखिए, राइट, ये अपना एमआरएनए है और ये एंटीकोडोन्स है, राइट? तो अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, और इस डायग्राम को मैंने अभी हटाया नहीं, इसको और इसको कंपेयर कीजिए। ये 5', ये 3', ये कोडोन है, ठीक है, और ये AUG, ये UAC, ये जो भी था UUU, तो यहां पर AAA, व्हाटएवर, यहां पर कुछ भी हो सकता है, GUG,
है ना। अब ये क्या था, NH2COOH, 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 ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है, ये अमीनो एसिड 3 है, ठीक है, और ये NH2COOH अमीनो एसिड 4 है, लेकिन ये वेटिंग के अंदर मैंने डाल दिया है और यहां लिख दिया है नो वैकेंसी, ठीक है। आप समझ पाए कुछ, इस चीज को मैंने एग्जिट साइड से बाहर कर दिया, तो ये चीज बाहर आ गई। ये वाली जो चीज थी ए पे जो थी वो अब आ गई पी के ऊपर, और जो बाहर वेट कर रहा था वो आ गया किसके ऊपर, ए साइड के ऊपर। तो बताओ जल्दी से, और ये क्या पेप्टाइड बॉन्ड है, ये क्या है पीबी मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, ये देखो ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते जा रहे हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन तो बनती रहेगी। अब वापस से वही चीज, अमीनो एसिड 4 के लिए कोई जगह नहीं है, तो नो वैकेंसी वेटिंग में डाल दिया मैंने, राइट। अब क्या होगा यदि ये वाला यहां पर आ जाए, ये वाला वापस से बाहर आ जाए, तो ये वाला यहां पर आके बैठ जाएगा, तो बताओ चेन एलोंगेट होगी कि नहीं होगी, आर यू गेटिंग। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक और चीज याद रखना, चेन इलोंगेशन के वक्त, चेन इलोंगेशन के वक्त राइबोसोम, राइबोसोमल यूनिट्स एमआरएनए पर, एमआरएनए पर 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में, डायरेक्शन में ट्रांसलोकेशन करती है, ट्रांसलोकेशन करती है, ठीक है, ट्रांसलोकेज एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांसलोकेज एंजाइम की उपस्थिति में एवं इस प्रकार नए नए कोडोन, नए नए कोडोन, नए नए कोडोन आते रहते हैं, नए नए कोडोन ए साइट के सामने आते रहते हैं एवं उसके अनुसार, उसके अनुसार अमीनो एसिड भी, अमीनो एसिड भी जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जैसी सीक्वेंस यहां पर कोडोन की होगी एमआरएनए के ऊपर, उसी सीक्वेंस के अंदर अमीनो एसिड ऊपर जुड़ते चले जाएंगे। तो ये देखो राइबोसोमल यूनिट्स जो है वो बेटा क्या कर रही है, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रही है, और एंजाइम कौन सा है, ट्रांसलोकेज, बस ये क्रम चलता रहेगा, है ना, आगे से आगे, आगे से आगे ये क्रम चलता रहेगा, क्लियर। अब आगे की मैं आपको एक दो डायग्राम और बना के बताता हूं ताकि आपको मालूम पड़ सके कि क्या हो रहा है, इज इट क्लियर। अब एक स्टेप और आकर यदि हम बात करें, तो ये देखो एक चित्र बना रहा हूं मैं आपको, इसको ध्यान से देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी जो मैंने जहां पर डायग्राम छोड़ा है उसके आगे देखो आप, जरा देखिएगा इसको, ये अपना एमआरएनए है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये सब कोडोन है, राइट, ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की, ये लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की, ये एंटीकोडोन से, वो एंटीकोडोन कोडोन के हिसाब से होंगे, जैसे ए यू जी होगा तो यहां पर यू ए सी होगा, ठीक है ना, यहां पर यू 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 है तो यहां पर ए ए ए होगा, यहां पर जी यू जी है तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, जी का सी, राइट, और यू का ए और सी, इस प्रकार से। और ये देखो ये पॉलीपेप्टाइड चेन अब पूरी फॉर्म हो चुकी है, अमीनो एसिड 1, ये पेप्टाइड बॉन्ड NH2COOH, अमीनो एसिड 2, ये कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, ये NH2COOH,
अमीनो एसिड 3, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये एग्जिट साइट से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका और इनका संबंध टूट गया है। ये पी साइट है, ये ए साइट है, ये NH2COOH, ये अमीनो एसिड 4 है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब वापिस से वही चीज, बस ये देखो पी साइट वाले बाहर आते जा रहे हैं, पी साइट वाले बाहर आते जा रहे हैं, ए साइट वाला पी साइट के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, बड़ा आसान है। और जो बाहर वाला वेटिंग है वो कहां पर आ रहा है, ए साइट के ऊपर। अब मान लीजिए अमीनो एसिड 5 को मुझे सेट करना है तो क्या करूंगा मैं, अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2 तो बाहर निकल चुके हैं इधर, अमीनो एसिड 3 जब बाहर आएगा चार्ज दिया जाने वाला तो पी साइट खाली हो जाएगी, अमीनो एसिड 4 यहां पर आ जाएगा तो ए साइट खाली हो जाएगी, तो अमीनो एसिड 5 वाला यहां पर सेट हो जाएगा। बस ये क्रम लगातार चलता रहेगा। और याद रखना नए नए कोडोन्स, ये सब कोडोन्स जो है नए नए कोडोन्स किसके सामने आते रहेंगे, ए साइट के सामने आते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज टीआरएनए यहां पर आएगा। जैसा कोडोन होगा वैसे ही चार्ज टीआरएनए होगा, मतलब उसके ऊपर अमीनो एसिड वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि याद रखना द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ द कोडोन्स ऑफ द एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर जिस सीक्वेंस के अंदर कोडोन आ रहे हैं उसी सीक्वेंस के अंदर ही क्या होगा, प्रोटीन चेन के अंदर अमीनो एसिड होगा। क्योंकि आप जानते हो हर एक अमीनो एसिड जो है वो एक पर्टिकुलर कोडोन से क्या होता है, कोड होता है। तो यहां पर ट्रांसलोकेज एंजाइम के कारण ये जो राइबोसोम की जो यूनिट्स हैं, इनका 5'3' डायरेक्शन में क्या हो रहा है भाई, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। इनका क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो बस ये देखो चेन इलोंगेशन हो रही, इतनी हो रही है। ये जो बन रही है ऊपर, ये जो पूरी बन रही है, ये क्या चीज है भाई, पॉली पेप्टाइड चेन जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, अमीनो एसिड है जो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। और आपको मालूम है पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ही क्या है, प्रोटीन चेन, ठीक है। तो यहां पर आकर अपना खत्म हो जाता है क्या चीज, दैट इज नोन एज द चेन इलोंगेशन। और अब आ जाते हैं लास्ट में चेन टर्मिनेशन। इस डायग्राम को देख लिया आपने, अब आ जाते हैं किसके ऊपर भाई, चेन टर्मिनेशन। अब लास्ट में देखिए चेन टर्मिनेशन क्या है, चेन टर्मिनेशन यानी कि श्रृंखला समापन, प्रोटीन श्रृंखला का समापन। मतलब ये बताना चाहते हैं कि यह क्रम किसका, इलोंगेशन का, यह क्रम इलोंगेशन का क्रम, और क्लियर कर देता हूं, इलोंगेशन का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि एमआरएनए पर कोई स्टॉप कोडोन यानी कि नॉनसेंस कोडोन ना आ जाए। स्टॉप कोडोन आने पर प्रोटीन चेन फॉर्मेशन रुक जाएगा। प्रोटीन चेन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। स्टॉप कोडोन के आने पर प्रोटीन चेन का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG, UGA, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको जेनेटिक कोडोन पढ़ाया था तब उसमें आया था UAA, UAG और UGA, UAA, UAG और UGA, इसको बोलते हैं ओकर, अंबर और ओपे। इन तीनों में से कोई भी एक स्टॉप कोडोन आ जाए तो प्रोटीन चेन फॉर्मेशन रुक जाएगा और श्रृंखला क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कोई भी आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि याद रखना इन स्टॉप कोडोन्स का कोई एंटी कोडोन नहीं होता, वह ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते।
तो जब ये अमीनो एसिड को ही कोड नहीं करेंगे तो चेन तो खत्म होने का तय है कि चेन टर्मिनेट हो ही जाएगी, ठीक है। अच्छा याद रखना, रिलीजिंग फैक्टर RF, रिलीजिंग फैक्टर चेन टर्मिनेशन में मदद करेंगे, रिलीजिंग फैक्टर्स चेन टर्मिनेशन में मदद करेंगे। रिलीजिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो चेन टर्मिनेशन में क्या करेंगे भाई, मदद करेंगे, रिलीजिंग फैक्टर्स, ठीक है। याद रखना प्रोकैरियोट्स में ये फैक्टर्स जो है वो कितने होते हैं, तीन, RF1, RF2 और RF3। यूकैरियोट्स में लगभग एक होता है, कभी कभी दो या फिर एक, ठीक है। कौन सा, दैट इज रिलीजिंग फैक्टर, यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर, राइट, वन, केवल एक ही होता है, ठीक है। तो रिलीजिंग फैक्टर चेन टर्मिनेशन में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ये रिलीजिंग फैक्टर चेन पॉलीपेप्टाइड चेन व चार्ज्ड टीआरएनए के कनेक्शन को ब्रेक कर देंगे, जिससे श्रृंखला सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हर बार जब वापस प्रोटीन चेन बनेगी तो पूरा के पूरा नया प्रोसेस, अब नया जब प्रोटीन बनेगा तो पूरा के पूरा प्रोसेस क्या होगा, वापस से शुरू से चालू होगा। अब चेन टर्मिनेट कैसी होती है इसको देख लिया आपने, डायग्राम से भी मैं बता दूं कि चेन टर्मिनेशन जो होती है वो कैसे होगा, किस तरीके से चेन टर्मिनेट होगी और किस तरीके से नॉनसेंस कोडोन आएगा वो आप देखें। अच्छा, कभी भी आ सकता है ना, नॉनसेंस कोडोन कोई फिक्स नहीं है। जैसे ही mRNA के ऊपर, कोई जरूरी नहीं कि इतने अमीनो एसिड आने के बाद में, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का नंबर के आने के बाद में ही स्टॉप कोडोन आएगा, कोई जरूरी नहीं, कभी भी आ सकता है। तो लास्ट में देखो आप इस डायग्राम से देख लीजिए, ये अपना छोटी सब यूनिट, लास्ट में देखिए ये बड़ी सब यूनिट, ये अपनी पी साइट है ना, ये पी साइट थी जिसके ऊपर अलग अलग आकर चार्ज टीआरएनए क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे, NH2COH मान लीजिए, कुछ भी मैं नंबर लिख देता हूँ अमीनो एसिड 8, और ये अपनी ए साइट है, ये ए साइट है। अब ए साइट के ऊपर आकर कोई भी चार्ज टीआरएनए आकर नहीं जुड़ा है, क्यों, क्योंकि यहां पर कौन आ गया, UAA, ये क्या आ गया है, स्टॉप कोडोन आ गया है। बस जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा तो इसके सामने अब चार्ज टीआरएनए आकर जुड़ेगा नहीं, और अब ये क्या था, अमीनो एसिड, ये जैसे ये क्या था, ये 8 था ना, तो ये जैसे 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, ये 5 प्राइम था, ये अपना क्या था भाई, सब अमीनो एसिड्स थे, और इन सब के बीच में ये क्या है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, एक बार लिख देता हूँ ताकि समझ जाना, ये पेप्टाइड बॉन्ड है सबके बीच में। और रिलीजिंग फैक्टर जो है वो अब इस कनेक्शन को यहां से हटा देंगे, रिलीजिंग फैक्टर यहां आके वर्क करेंगे, तो ये चेन बस पूरी बन गई। तो ये क्या चीज है, पॉली पेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन चेन जिसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं बस। तो यहां पर ये जैसे ही ये आएगा स्टॉप कोडोन तो चेन क्या हो जाएगी, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा, और जब वापस पूरी नई प्रोटीन बनेगा तो ये पूरा के पूरा जो प्रोसेस इतना लंबा अपन ने पढ़ाया वो पूरा के पूरा चलेगा। तो ये है चेन टर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको राइट बिगनिंग से लेकर और लास्ट तक चेन टर्मिनेशन तक पूरा डिटेल में पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पर्टिकुलर नीड के लिए। एक और चीज याद रखना, mRNA पर UTR भी प्रेजेंट होते हैं, UTR भी उपस्थित जो ट्रांसलेशन में मदद करते हैं, ट्रांसलेशन में मदद करते हैं, है ना, क्या ये अन
ट्रांसलेटेड रीजन्स। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहां पर होते हैं, तो mRNA पर। तो mRNA पर UTR भी उपस्थित होते हैं जो ट्रांसलेशन में मदद करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग भी। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे। थैंक्स अ लॉट। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।